नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू होम प्लान फॉर यू। आज हम जो प्लान डिस्कस करेंगे उसका साइज है 25 फीट × 33 फीट, जो कि 825 स्क्वायर फीट इसमें होगा। तो इसका रिक्वायरमेंट है 2 BHK और इसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हो जाएगा 10,50,000। और इसका जो रिक्वायरमेंट है, ये हो जाए आपका मेन गेट, यहाँ पर हो जाए आपका ड्राइंग रूम, ये हो जाए आपका किचन, ये हो जाए आपका एक कॉमन टॉयलेट, ये हो जाएगा डाइनिंग कॉमस्टियर, ये हो जाए आपका पहला बेडरूम, ये हो जाएगा आपका मास्टर बेडरूम और इसका अटैच टॉयलेट, ये हो जाए आपका 25 फीट ऐसे और ऐसे हो जाए आपका 33 फीट। रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि हम आगे इसका डिटेल साइज भी डिस्कस करेंगे और डिटेल एस्टीमेट भी एस्टीमेट करेंगे। जैसे कि आपका जो यहाँ इसी पर जो मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा, वो जाएगा लगभग 6,82,000 और जो आपका लेबर कॉस्ट हो जाएगा आपका 2,62,000। जो आपका इंजीनियर कॉस्ट हो जाएगा, इंजीनियर का कॉस्ट हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा 1,50,000। ऐसे हम डिस्कस करेंगे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये हो जाए आपका आज जो हम प्लान डिस्कस करेंगे उसका फुल व्यू, उसका फुल व्यू। अभी हम डिस्कस करेंगे जो 4 BHK का है उसका इंटीरियर। ये हो जाए आपका मेन गेट, मेन गेट के सामने हो जाए आपका ड्राइंग रूम। हम यहाँ पर एक सोफ़ा दिए हैं, आपके हिसाब से आप एक सोफ़ा दीजिएगा और यहाँ पर आप टीवी यूनिट दे सकते हैं और सोफ़ा को ऐसे डालकर यहाँ पर एक भी टीवी यूनिट दे सकते हैं आपके हिसाब से। ये हो जाए आपका किचन, किचन का ये हो जाए आपका स्लाब। इसी कॉर्नर पे हम फ्रिज रखने के लिए एक स्पेस दिए हैं और स्लाब के ऊपर इसी कॉर्नर पे हम दिए हैं एक सिंक और यहाँ पर दिए हैं एक स्टोव। जो आपका एक कॉमन टॉयलेट है, हम आउटर वॉल पर हम दिए हैं एक कॉमन और डोर के सामने दिए हैं एक शावर और डोर का लेफ्ट साइड पर हम दिए हैं एक वॉश बेसिन और यहाँ पर हम एक 5 सीटर का डाइनिंग टेबल दिए हैं। जो आपका स्टेयर है, स्टेयर का ऑफ ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर आप लैंडिंग कर देंगे। जो आपका पहला बेडरूम है, पहला बेडरूम पर हम इसी कॉर्नर पे दें एक मिरर यूनिट और इसी वॉल पर हम दें एक वार्डरोब और इसी कॉर्नर पे हम दें एक बेड। जो आपका मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम पर हम इसी कॉर्नर पे दिए हैं एक बेड और डोर के सामने जो वॉल है यहाँ पर दें एक वार्डरोब और इसी कॉर्नर पे हम दिए एक मिरर यूनिट। जो इसका अटैच टॉयलेट है, अटैच टॉयलेट पर हम जो डोर के सामने दें एक आपका शावर और इसी आउटर वॉल पर हम दें कमर और डोर का लेफ्ट साइड पे हम दें एक वॉश बेसिन। ये हो जाए आपका इंटीरियर का फुल व्यू, इंटीरियर का फुल व्यू। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी चैनल पे आपके कमेंट की साइज़ के हिसाब से वीडियो अपलोड करता हूँ। बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, बट ज़रूर लाइक कीजिए, आपकी पसंद आपकी मर्ज़ी। और शेयर प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि दूसरों को भी कुछ हेल्प हो जाए और मुझे भी कुछ सपोर्ट मिल जाए दूसरों को हेल्प करने के लिए। प्लीज़ दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे जो 25 × 33 फीट का हाउस प्लान है उसका डिटेल साइज। ये हो जाए आपका मेन गेट, मेन गेट हम दिए हैं 4 फीट का। जो आपका ड्राइंग रूम है उसका लेंथ हो जाएगा 12 फीट 6 इंच एंड सेवर्थ हो जाएगा 9 फीट 8 इंच। जो यहाँ पर 2 विंडोज है हम 4 फीट का दिए हैं दोनों विंडोज और ये जो डोर है ये हो जाएगा 42 इंचेस का। जो आपका किचन है, किचन का लेंथ हो जाएगा 10 फीट एंड सेवर्थ हो जाएगा 9 फीट 8 इंच। जो यहाँ पर स्लाब है ये हो जाएगा 25 इंचेस का और जो स्लाब का हाइट है नीचे से ऊपर तक 32 इंचेस और यहाँ पर 2 विंडोज है ये हो जाएगा 3 फीट का और जो यहाँ पर डोर है ये हो जाएगा 42 इंचेस का। जो आपका एक कॉमन टॉयलेट है उसका लेंथ हो जाएगा 5 फीट 10 इंच एंड सेवर्थ हो जाएगा 4 फीट 8 इंच। जो यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए हम दिए हैं एक 2 फीट का हो जाएगा और यहाँ पर जो डोर है ये हो जाएगा आपका 30 इंचेस का। जो डाइनिंग कॉमस्टेयर है उसका यहीं से यहीं तक लेंथ हो जाएगा 16 फीट 8 इंच एंड इसका विड्थ हो जाएगा यहीं से यहीं तक हो जाएगा 10 फीट। जो आपका स्टेयर है, स्टेयर का जो राइजर है हो जाएगा 7 इंचेस का और जो ट्रेड है वो हो जाएगा 10 इंचेस का। जो आपका बेडरूम है पहला का उसका यहीं से यहीं तक लेंथ हो जाएगा 12 फीट 6 इंच एंड सेवर्थ हो जाएगा 10 फीट। जो यहाँ पर विंडोज़ 2 है वो हो जाएगा 4 फीट का विंडोज़।
ये विंडोज आपकी जहाँ पर ओपन स्पेस होगा वहाँ पर दे दीजिएगा वेंटिलेशन के लिए। और जो डोर है ये हो जाएगा 42 इंचेस का। जो आपका एक मास्टर बेडरूम है यहाँ पर भी 2 विंडोज है, ये आपके हिसाब से दे दीजिएगा। हम 4 फीट का 2 विंडोज दिए हैं, जो इसका लेंथ हो जाएगा 10 फीट एंड सेवर्थ हो जाएगा भी 10 फीट। तो यहाँ पर भी जो डोर है वो जाएगा आपका 42 इंचेस का। जो आपका इसका अटैच टॉयलेट है उसका लेंथ हो जाएगा 5 फीट 10 इंच, सेवर्थ हो जाएगा 4 फीट 6 इंच। जो इसका डोर है वो जाएगा 30 इंचेस का, और जो वेंटिलेशन है वो जाएगा 2 फीट का। इसमें जो सीमेंट यूज होगा एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट सीमेंट हो जाएगा 1,15,000, और जो स्टील हो जाएगा 1,60,000, और सेंट हो जाएगा आपका 42,000। आपका ग्रावेल हो जाएगा जो कि एग्रीगेट ग्रावेल हो जाएगा आपका 52,000 का। ब्रिक हो जाएगा 74,000। आपका प्लम्बिंग के लिए यूज हो जाएगा आपका 32,000। आपका इलेक्ट्रिकल के लिए यूज हो जाएगा आपका 32,000। और जो पेंटिंग पर्पस के लिए यूज है आपका अप्रोक्सीमेट 47,000। आपका जो अदर के लिए आप सेफ्टी पर्पस के लिए 50,000 रख दीजिएगा। और जो इसमें डोर एंड विंडोज के लिए हो जाएगा आपका 32,000। ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में पहले ही बोलता था, पहले से बोला था 50,000 से 10,50,000, जो कि 10,50,000 हो जाए आपका अप्रोक्सीमेट। ये आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड करेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी चैनल पे आपके कमेंट की साइज के हिसाब से वीडियो अपलोड करता हूँ, और शेयर जरूर करें क्योंकि दूसरों को भी कुछ हेल्प हो जाए। कमेंट करके ये बताइए कि आपको किसी साइज का प्लान चाहिए। इसका PDF डिस्क्रिप्शन के साथ लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नया वीडियो पे। ये हो जाएगा डिटेल साइज का फुल व्यू। थैंक यू।